brought to you by Physics Wala. ये तो होगा क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ उनके चारों पार्टी का जब गठबंधन था उस समय उनसे लड़ा था और इस आजमगढ़ में 3,62,000 लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया था। तो अब तो उनका गठबंधन भी नहीं है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, सब लोग अलग अलग से लड़ रहे हैं। तो अब जो है वो असली मुकाबला होगा। पहले तो सब मिल के हमको घेर लिए थे, अब तो अकेले अकेले आएंगे तो फिर अब जो है सोचना तो पड़ेगा कि कौन किसको भेजे उसके सामने। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और आजमगढ़ जो चर्चाओं में था अब उस पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी ने जहाँ अपना प्रत्याशी घोषित किया तो वहीं अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट नियुक्त कर दिया है प्रत्याशी के रूप में, भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ। पृथ्वीराज थिएटर में आप पिक्चर देख रहे थे और यह सूचना आई। देखिए कितने लकी हैं पृथ्वीराज मेरे लिए कि पृथ्वीराज हम लोग देखने के लिए आए थिएटर में, जैसे बैठे हमारे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था कि हम लोग साथ में देखेंगे सब लोग और जनता के साथ में देखेंगे। और हम लोग जैसे थिएटर के अंदर बैठे और तब तक मैसेज आ गया, क्योंकि आप लोग 2-3 दिन से पूछ रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा। शायद मेरी पार्टी भी इंतजार कर रही थी कि मैं पृथ्वीराज देखने जाऊं, उसके बाद जो है टिकट का अनाउंस होगा। जी खैर, संभावित रहा और ये अटकलें ही थी, लेकिन निश्चित तौर पे था कि आपका टिकट फाइनल होना है और जिस तरीके से आप तैयारी में जुटे थे, विरोधियों के लिए भी आप एक सवाल बने थे, उनको भी जवाब मिल गया? बिल्कुल, जवाब तो मिलना ही चाहिए। और देखिए क्या है कि हम लोगों का जो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ें और सरकार के साथ जोड़ करके आजमगढ़ को जो विकास की गति रुकी है वो तेज़ी पकड़े। और जैसे आप गोरखपुर को देखिए, बनारस को देखिए, सब चमक रहा है। हमारा आजमगढ़ क्यों पीछे है? आजमगढ़ इसलिए पीछे है कि आजमगढ़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो हमारा गढ़ है, ये कहाँ जाएंगे। और इस चक्कर में हमारे आजमगढ़ को एकदम पिछड़ा बना दिया। तो अब जो है ईश्वर ने अच्छा मौका दिया आजमगढ़ की जनता को भी, मुझे भी और मेरी पार्टी को भी, कि हम लोग जो है अब आजमगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ेंगे। पहले भी लोग काफ़ी जुड़े, पर अब जो है जब मैं कल तो मैं गाना बना रहा था, 2-3 दिन पहले से ही मैं आया हूँ आजमगढ़, तो अब मैं जो देख रहा हूँ कि सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों किसी जाति के हों, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए एकदम बांह खोल के एकदम खड़े हैं। काफ़ी समय लगा समाजवादी पार्टी को डिसाइड करने में कि निरहुआ का प्रतिद्वंदी कौन होगा। लास्ट अभी 1 घंटे तक वहाँ पो मची रही, सोशल मीडिया पर भी कई सवाल उठते रहे, इसके पीछे क्या कारण रहा? अब इसके पीछे वो उनका कारण वो बता पाएंगे, मेरा कारण पूछिए तो मैं अपना कारण बता सकता हूँ। अब उनका क्या कारण था वो मैं मुझे तो नहीं पता। दिनेश लाल निरहुआ, मतलब मेरा मेरी पार्टी का सामने दिनेश लाल निरहुआ है इसलिए उनको वहाँ पो मची रही। हाँ ये तो होगा क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ उनके चारों पार्टी का जब गठबंधन था उस समय उनसे लड़ा था और इस आजमगढ़ में 3,62,000 लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया था। तो अब तो उनका गठबंधन भी नहीं है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, सब लोग अलग अलग से लड़ रहे हैं। तो अब जो है वो असली मुकाबला होगा। पहले तो सब मिल के हमको घेर लिए थे, अब तो अकेले अकेले आएंगे तो फिर अब जो है सोचना तो पड़ेगा कि कौन किसको भेजे उसके सामने। तो इसलिए शायद सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा। अच्छा दिनेश जी, एक सवाल उठ रहा है कि जो चुनाव है ये मध्यावर्ती चुनाव कहा, खासतौर पर जातिगत आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, समीकरण से जुड़ा हुआ है। जी, बहुजन समाज पार्टी ने एक माइनॉरिटी को टिकट दिया, मुस्लिम को दिया, तो वहीं दलित का फंडा समाजवादी पार्टी ने खेला है। जी, अब बचते हैं यादव जो बहुतायत में है, कितना आप लुभा पाएंगे? लुभाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि जनता जो है आजमगढ़ की वो देख रही है, जनता समझ रही है कि उन्होंने मौका दिया था, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया था, पर उन्होंने कुछ किया नहीं और छोड़ दिया। तो अब जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, तो हम लोग सरकार के साथ जुड़ेंगे और अपने आजमगढ़ का विकास करेंगे। ये जाति धर्म ये सब छोड़ दीजिए बहुत पीछे,
न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बिरादरी के लिए। हमको सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए सोचना है, और आजमगढ़ के विकास के बारे में जब आज जनता सोच रही है तो ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार हुई है। जी, अब आपने अभी कहा कि हम गाना भी तैयार कर रहे थे, खासतौर पे यूपी तक को आपने स्पेशली सुनाया भी था वो गाना, बन भी गया, तो वो गाना भी हम जानना चाहेंगे। और खासतौर पे जो आपके वोटर हैं उनको अब तो आप प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं जी, और अब क्या कहना है और किस रूप से आप? जो गाना मैंने बनाया वो आ गया है यूट्यूब पे, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी शेयर कीजिए। ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू जनी हो भुलैया। ए भैया कमल के बटन दबैया, बहनी हो कमल के बटन दबैया। ये गाना आ गया। तो दिनेश जी, हम इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप समीकरण की बात, जैसे कि आपने कहा कि उनसे पूछिए, लेकिन एक खास वर्ग जो यादव है उसके लिए आप किस तरीके की बात करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी नतीजे अच्छे रहे। अच्छे रहे, पिछले चुनाव में भी यादव भी मेरे साथ आए थे, ऐसा नहीं है, सभी जाति के लोग, सभी लोग मेरे साथ थे, तभी इतना ज़्यादा वोट मिल पाया था। इस बार और ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि मैं जितने दिन से यहाँ आया हूँ आजमगढ़ में, मैं सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बात हो रही है, तो सब लोग मिलने को तैयार हैं, सब लोग आने को तैयार हैं, क्योंकि सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमको अब आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचना है। अब ये जाति धर्म वाला मामला बहुत हो गया, इसको रहने देते हैं, सब लोग मिल के और आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचते हैं, इसलिए हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। समय कम है, जीत होती है, तो सबसे प्राथमिकता में दो काम क्या रहे? देखिए, सबसे पहला जो काम होगा वो आजमगढ़ का मास्टर प्लान। मुझे लगता है कि आजमगढ़ में मैं जब आता हूँ तो हर व्यक्ति की ये परेशानी है कि आजमगढ़ का मास्टर प्लान अभी तक नहीं बना, सबसे पहला काम। और दूसरा काम ये है कि आजमगढ़ के बीचों बीच, एकदम शहर के बीचों बीच, इतना बड़ा जो पुरानी जेल का स्थान है, जिसको हम आजमगढ़ के लोगों के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। वो तो महिला जेल के रूप में चिन्हित कर लिया गया। किसके रूप में? महिला जेल। तो उसके अलावा भी बहुत सारी ज़मीनें हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने विश्वविद्यालय के लिए जो ज़मीन पहले से लिया गया था, उसके अलावा फिर मिला तो इस पे बन गया, तो वो ज़मीन भी पूरी खाली है, तो उस पे पहले यहाँ के लोगों के लिए कुछ बड़ा काम हो, ऐसा हो जिसके लिए पूरे शहर को लगे कि हाँ, हमारे लिए एक ये बड़ा काम हुआ, कोई बड़ा स्टेडियम बने, इस तरह की चीज़ें हो। और बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हर लोग के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो योजना लेके आए हैं, उन योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुँचे, इस पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो नई नई योजनाओं के साथ इतना तक कह दिया है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जो लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए काम करेंगे हम लोग। चलिए, यूपी तक से खासती बातचीत हो रही है, अंत भी गाने से ही होना चाहिए। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव, जिन्होंने अपने सदे अंदाज में कहा कि आजमगढ़ से प्यार कभी ना घटा रहे, और उन्हें अभी प्रत्याशी घोषित किया गया है ऑफिशियल तौर पे, जिसकी बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी हुई है। तो अब वो फुल फ्लैश आजमगढ़ में मध्यावर्ती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, और अब वो अपनी दावेदारी और अपनी चुनौती को विकास से जोड़कर देख रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।